आज का हमारा न्यू स्पीशीज इंट्रोडक्शन है पैरासिटिज्म एंड प्रेडेशन। ये दोनों मैंने टर्म साथ में इसलिए लिए है क्योंकि ये दोनों ही नेगेटिव पॉजिटिव रिलेशन शो करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। पैरासाइट्स गेट बेनिफिट्स एंड होस्ट फेस लॉस। मतलब पैरासिटिज्म में जो पैरासाइट्स हैं ना, उनको तो बेनिफिट मिलता है और जो इनके होस्ट होते हैं इनका लॉस होता है। उसी तरह प्रेडेशन में प्रेडेटर गेट बेनिफिट्स एंड प्रे फेस लॉस। क्योंकि प्रेडेटर जो होता है वो प्रे पे फीड करता है, तो प्रेडेटर को तो बेनिफिट हो गया एंड प्रे को नुकसान क्योंकि वो डेड। एग्जांपल, ए फंगस ग्रोइंग ऑन अ वाइल्ड रोज बश, द फंगस गेन एनर्जी वाइल द रोज एक्सपीरियंस इट एज अ डिजीज। कि भाई एक रोज बश प्लांट है, ठीक है, इस पे फंगस लग जाता है, इस पे अगर फंगस लग रहा है तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? फंगस को तो चलो एनर्जी मिल रही है, खाना मिल जाएगा, फूड मिल जाएगा, लेकिन उस रोज़ बश का क्या हुआ? रोज़ बश तो फिनिश। ठीक है, मतलब एक को तो फ़ायदा हो रहा है और दूसरे को नुकसान हो रहा है। ठीक है, इसी तरह और भी एग्जांपल है। जैसे टैपवर्म जो होते हैं वो स्पेंड करते हैं अपनी कंप्लीट लाइफ स्पैन इनसाइड द होस्ट एलिमेंट्री कैनाल। वहाँ जाएंगे और होस्ट के एलिमेंट्री कैनाल में फीड रहेंगे और बदले में डिजीज़ होगी होस्ट को। सेकेंड है ह्यूमन हेडलिश, वो जो जुएँ होती हैं इंसान के हेड में, हेयर्स में, तो जो ह्यूमन्स हैं उनको इचिंग होती है एंड लाइस का क्या है, उनको तो जगह मिल रही है, हैबिटेट मिल रहा है, उनका फ़ायदा हो रहा है और अपनी इचिंग हो रही है। ठीक है, थर्ड है लीचेस। लीचेस अगर अपने होस्ट पे फीड करती है तो इनका एक और नाम है, ये ब्लड सकर्स भी होती हैं, ये ब्लड को सक करती हैं जिस भी होस्ट पे आ जाती हैं। ठीक है, तो होस्ट को तो क्या हुआ, नुकसान हुआ, उसका ब्लड लॉस हुआ, और लीचेस का क्या हुआ, फ़ायदा हुआ, उसे फूड मिला। सो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू।